ओम प्रकाश चौटाला को बहुत बड़ी राहत मिली है। अब पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान वो जेल से बाहर ही रहेंगे। दूसरा कोई व्यक्ति होगा तो आपके इच्छाओं के अनुसार ओम प्रकाश चौटाला भी होगा, उनकी बात को मान लूंगा। मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, मैं अगर चुनाव ना भी लड़ूंगा तो आपको वायदा लेकर के जाता हूँ कि बिहार की जेल में मुख्यमंत्री के पद की इच्छा। गुरुवार को जींद की सभा में ओम प्रकाश चौटाला जब ये दावा कर रहे थे तो शायद उन्हें ये मालूम नहीं रहा होगा कि नतीजा आने तक वो कहाँ रहेंगे। आज कोर्ट ने चौटाला को 20 दिन यानी चुनाव होने तक बाहर रहने की छूट दे दी। अब चौटाला के बयान पर मुख्यमंत्री हुड्डा चुटकी ले रहे हैं। नहीं तो फिर विधानसभा भी जेल में बनेंगे क्या, फिर उसके लिए तो चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं। शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा पा चुके ओम प्रकाश चौटाला अभी सेहत के आधार पर मिली जमानत के बाद जेल से बाहर है, लेकिन इस दौरान वो चुनावी सभाएं भी कर रहे हैं। सीबीआई ने कोर्ट से इस आधार पर जमानत रद्द करने की मांग की थी, लेकिन चौटाला ने 20 दिन बाहर रहने की मांग की और कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी। सजा मिलने की वजह से चौटाला खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के कई सदस्य ताल ठोक रहे हैं। हरियाणा में 15 अक्टूबर को चुनाव है और 19 को नतीजे आएंगे।